हेलो दोस्तों, फूड टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। आज हम व्रत की थाली की रेसिपी लेकर आए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत इजी और आसान तरह से आप इसे झटपट व्रत में बनाकर खा सकते हैं। ये हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये 5-6 आलू थे उबले हुए, इन्हें पहले ही हमने उबाल कर रख लिया था। और ये हमने हरी मिर्च ले लिए हैं 2, और इसमें ये व्रत वाला नमक डाल देते हैं, और इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दें थोड़ा सा। और ये हमने कुटू का आटा ले लिया है 1 कटोरी, इसे हमने पहले से अच्छे से छान लिया था। और इसमें हरे धनिया की पत्तियां डाल दें। इस तरह से आप इसकी ये व्रत की थाली बनाएंगे तो आप झटपट बनाकर खा सकते हैं। और ये हम अच्छे से इन्हें कुटू को और आलू को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है इसमें, पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमें इसमें आवश्यकता पानी की पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे। और ये हमने इसका डो बनाकर रख दिया है, इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं खीरे की। और ये हम खीरे का रायता बनाएंगे। और ये हमने 1 खीरा ले लिया है, इसे अच्छे से हम छील लेते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें प्लीज़। और ये हमने खीरे को छील लिया है, और ये 1 प्लेट ले लिए, इसमें ये हमने 1 ग्रेटर ले लिया है, और इसे हम खीरे को ग्रेट कर लेते हैं इस तरह से। और ये देखिए इतना टेस्टी रायता बनता है ये, और बहुत। और ये हमने 1 दही ले लिया है, दही ले लिया है 1 कटोरी, और इसे हम अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेते हैं। आप इसे फेंट के अच्छे से लें। और ये हमने खीरा ग्रेट करके रख लिया था, वो इसमें हम डाल देते हैं। और इसमें खीरे में देखिए कितना सारा पानी निकला था, वो भी इसी में डाल दें। और ये हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये व्रत का नमक था, वो इसमें टेस्ट के अनुसार डाल देते हैं। और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, इसे हम पहले मिक्स कर लें फिर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अभी इसमें और कुछ मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि आप इसमें हरी चटनी वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे हरी मिर्च की है वो डाल सकते हैं। अभी इसमें हमने काली मिर्च का ही पाउडर और नमक ही डाला है, और इसमें थोड़ा सा हम तड़का लगा देते हैं। और ये देखिए रायता हमारा, और ये हमने घी में जीरा भून के डाल दिया है थोड़ा सा, और इसे कवर कर दें थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए अच्छे से हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये रायता हमारा बनके तैयार हो गया है, और ये देखिए कितने अच्छे से टेस्टी भी काफ़ी बना था। और ये 5 मिनट हो गए हैं डो के लिए रखे हुए अच्छे से। और हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे एक बार और मल लेते हैं डो के लिए। आप इस तरह से पूड़ियाँ बनाएंगे इसके आलू और कुटू की, और इसे हम काफ़ी मोटा इसका हमने डो ले लिया था, इसे हम बेल लेते हैं इस तरह से। और देखिए इजी बिल जाता है। और ये 1 कटोरी ले लिया, इस तरह से इसे हम कट कर लेते हैं। छोटी बड़ी जो भी आपके पास कटोरी है वो आप ले सकते हैं। और ये देखिए हमारी 3 पूड़ियाँ एक बार में बनके तैयार हो गई हैं, और ये साइड से हम हटा देते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं, और बहुत इजी बन जाती हैं। और इधर ये हमने ऑयल गर्म होने रख दिया है, आप व्रत में जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं घी वगैरह। और ये इसमें हमने ये पूड़ियाँ डाल दी हैं, और इसे आप पलट लेते हैं। और ये देखिए कितनी पतली पूड़ियाँ बनी हैं, और ये हमने जल्दी इसे पलट दिया था, ये थोड़ी सी टूट गई। और ये हमारी पूड़ियाँ क्रिस्पी और फूली फूली पूड़ियाँ बनी हैं, पतली है इसलिए क्रिस्पी काफ़ी बनी है। और ये हमारी व्रत की थाली तैयार हो गई है। ये हमने लौकी का हलवा बनाया था वो है, और ये पूड़ियाँ देखिए हमारी अच्छे से सिक गई हैं। और ये हमारी व्रत की थाली बनके तैयार है, आप इसे फटाफट बनाकर खा सकते हैं। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर। थैंक यू सो मच।